आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदं आदिपुरुषं तमहं भजामि। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आओ नारद मुनि। हे प्रभु, की ख्याति पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। प्रभु, कलयुग बहुत ही, तो मैं कोई जगह टिक नहीं पाता। अच्छा है ना, प्रचार करो। अच्छा, तो प्रभु मुझे कुछ ऐसी जगह भेजिए जहाँ पे सही में मैं आपके परम भक्त को मिल पाऊँ, और परम भक्त से मिलकर मैं अपने आप को भी शुद्ध कर सकूँ और आपके नाम की ख्याति को खूब बढ़ाऊँ, खूब बढ़ाऊँ। मस्कत में है, तुम्हें नहीं पता नारद मुनि, मस्कत में है ऐसे भक्त। आप मस्कत जाओ, उधर आपको भक्त मिलेंगे। जो आ गया प्रभु जी, जो आ गया। नारायण खंडम भारणांडम परवर विरटम दम पडम गौरडम दम 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 पडम मुखि दम पडम पै दम पडम पै च दम पै तुल्या तुल्या सु तुल्या धम 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 कै कुम कुमा कंसंट्रेशन दे हो रहा है। नारा रकम ना पाप नाम नारा ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। नारायण हे नारायण, कहां है तू नारायण? वो नारायण गोविंद गोविंद हरे कृष्ण हरे कैसे हो ब्राह्मण देवता? प्रभु की कृपा, ठीक है प्रभु, बस वही है। तब नारायण बुलाएंगे और हम जाएंगे, शास्त्रों का रक्त कर लिए, इतने शास्त्र पढ़े, शास्त्र शास्त्र से ही पूरा दिन भर जा रहा है प्रभु। शास्त्रों से क्या जानकारी मिलती है? ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा होता है शास्त्र पढ़ने से। आपको मालूम है मैं? प्रभु बोलिए, मुझे बुलाने के लिए प्रभु, मुझे बुलाने के लिए बोलिए। तो प्रभु ने बहुत ही अच्छा संदेश भेजा। मेरे प्रभु ने संदेश भेजा? प्रभु कहने लगे कि मेरे पुत्र हैं, मेरे एकदम परम भक्त भगवान हैं, उनके पास जाओ और मेरा एक समाचार दे। हे नारायण नारायण प्रभु नारायण। तो मालूम है मैं जब वैकुंठ पति विष्णु के पास गया, नारायण के पास, वो लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे और लक्ष्मी जी के पास वो एक छोटी सी सुई के छोटे से होल में से हाथी को पसार करते। क्या बात कर रहे हैं प्रभु? नारायण 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 नारायण, सुई के अंदर हाथी घुस रहे हैं? नहीं प्रभु, ये प्रभु ये तो है नहीं हो सकता। नारायण सुई के अंदर, नारायण कुछ काम नहीं है, सुई के अंदर हाथी घुसाएंगे? वो अपने सिंहासन पर बैठे थे, लक्ष्मी जी की पाद सेवा कर रही थी और एक उन्होंने सुई लिया, भगवान की लीला तो ज्ञानी है, उन्होंने सुई लिया, भोर में से बड़े हाथी को पसार कर रहे थे। ये विश्वास नहीं होता है प्रभु, कभी विश्वास नहीं होता। नारायण नारायण विश्वास नहीं होता। इतने सारा शास्त्र अध्ययन किया, कहीं कहीं कभी नहीं नहीं पढ़ा कि सुई के अंदर हाथी घुसता है, ये विश्वास नहीं होता नारायण। ब्राह्मण देवता, आपने तो अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, इतने सालों से आप हर रोज भगवान की पूजा पाठ में लगे होते हो, तो भगवान ने कहा है कि आप उनके पास जाने के लिए कुछ तो मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा। शास्त्रों का मार्ग अपनाया हूँ। ठीक है नारायण नारायण।
कैसे हो? भगवान की कृपा से सब कुछ मंगल है प्रभु जी। काम व्यवस्था सब कुछ ठीक है? हाँ, सब 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 ठीक है, सब चालू है। क्या आप व्यवहार क्या करते हो, डेली क्या आप काम करते हो, हर रोज आपका क्या काम होता है? नारद जी, सब तो प्रभु के कृपा से, सब प्रभु ने तो सब दिया है। प्रभु का कृपा से छोटा सा रोची का जो संभालता हूँ, जो उसमें से जो मिलता है मेरा भरण पोषण हो जाता है। प्रभु का कृपा से सब कुछ हम लोगों ने। अच्छी बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है? हाँ हाँ, मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण, वैकुंठ दपति हरि बोल। मैं भगवान नारायण के पास गया था, एक संदेश भेजा है। हाँ बोलिए नारायण जी। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त परम भक्त हैं, हमेशा मेरा नाम का जप करते हैं, हमेशा मुझे याद करते हैं। उनको भी कहना कि मैं हरी बोल, हरी बोल, वहाँ बैठे आपको याद कर रहे थे। हाँ ओके। और प्रभु मेरा प्रभु क्या कर रहे थे वहाँ पे? लक्ष्मी जी के साथ में बैठे थे वो। हाँ हाँ, लक्ष्मी जी उनकी पाद पूजा कर रही थी। ओके। और पाद पूजा करते करते भगवान हमारे नारायण विष्णु वैकुंठ पति, उन्होंने एक छोटा सा सॉइल लिया, जो सुई आता है ना, सुई जिससे हम लोग आप मोची का काम करते हैं, वो सुई लिया और सुई में एक छोटा सा होल था। हाँ। और होल में से बड़ा हाथी को पसार करके हरी बोल प्रभु, मेरे प्रभु के पास कुछ भी असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं मेरा प्रभु। हरी बोल गोविंद आदि पुरुषम तमहम आमी। भगवान ये कर रहे थे, मैंने तो देखा, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। प्रभु का सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु के पास कुछ भी असंभव नहीं है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। आपने प्रभु से पूछा कि मेरा कितना जन्म के बाद मैं उनके धाम जा सकता हूँ? हाँ, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे भक्तों को कहना कि मैं जो सुई के अंदर जो छोटा होल है उसमें से हाथी को पसार कर रहा था। और तब उन्होंने बोला कि उसके बाद आप मेरे पास वापस आओ। हरी मैं जाता हूँ और आपका संदेश लेके वापस आता हूँ। हरी बोल, हरे कृष्णा। तो मिला है भक्तों से? हाँ, आपने बताया था उस तरह से प्रभु। मैं मस्कत में गया, मस्कत में मथुरा देश करके एक जगह है, वहां पे मैं गया और एक मुझे ब्राह्मण मिला जैसे आपने बताया था, वो भी आपका तो है भक्त। लेकिन जब मैंने उनको ऐसा कहा कि हमारे प्रभु वैकुंठ में एक लीला कर रहे थे, उन्होंने सुई में से छोटा सा जो होल होता है उसमें से हाथी को पसार कर रहे थे, तो ब्राह्मण देवता माने नहीं। अनेक शास्त्रों का पठन कर लिया, अनेक वेद पढ़ लिए, अनेक ज्ञान कर लिया, अनेक कर्म कांड की प्रक्रिया कर ली, लेकिन वो फिर भी आपकी लीला को स्वीकार नहीं किया प्रभु, तो उसका क्या होगा, उद्धार होगा कि नहीं? बहुत बहुत जन्म लग जाएंगे उसका उद्धार होने में। शास्त्र पढ़ने से उद्धार नहीं होता है। और मोची क्या कर रहा था? हाँ, बाद में वो मोची के पास गया। वो बेचारा बहुत ही शुद्र था, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पैसा गरीब था, लेकिन जैसे ही मैं गया एकदम खूब खूब प्रफुल्लित होकर खूब खूब जोर से आपका नाम जप करने लगा। और जब मैंने उसको कहा कि हमारे प्रभु वैकुंठपति नारायण विष्णु लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी और उन्होंने छोटी सी सुई के अंदर जो होल में से हाथी को पसार कर रहे थे, जब ऐसा कहा वो खूब खूब कूदने लगे, गोविंदम आदि पुरुषम आपकी लीला न्यारी है, ऐसे आपके गुणगान करने लगे प्रभु। और उन्होंने पूछा कि मेरा कब उद्धार होगा? इसी जन्म में मेरे पास आने वाला है नारद मुनि, इसी जन्म। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु आपकी लीला खूब न्यारी है, प्रभु आपकी कृपा से मैं आपके एक शुद्ध भक्त को मिल पाया जो कलयुग में मोची का काम कर रहे हैं,
लेकिन काम करते करते आपका नाम का जप कर रहे थे और आपको निरंतर याद करते हैं, आपने खूब श्रद्धा है उनकी। आपकी श्रद्धा को देखकर मुझे ऐसा लगा कि कब मेरे में भी ऐसी श्रद्धा आएगी। कृपया करके मुझे आशीर्वाद करें, मैं भी आपका एक परम भक्त बन पाऊंगा। प्रभु जी मुझे बताइए, हे प्रभु आप कहाँ पे रहते हो? मैंने सुना है कि आप और कोई जगह नहीं रहते हो लेकिन भक्तों के हृदय में रहते हो, क्या सही बात है ये? सही सुना है नारद मुनि, ना मैं ज्ञानी के हृदय में रहता हूँ, ना मैं योगी के हृदय में रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, यत्र गायत्री मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो नारद जी को विष्णु ने ये उपदेश दिया कि मैं न तो ये ऐसे योगियों के हृदय में रहता हूँ, न तो मैं ज्ञानियों के हृदय में रहता हूँ। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरे नाम का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके हृदय में मैं निरंतर और उनको जन्म जन्म के उनके जो दुखद जन्म मृत्यु के चक्कर हैं उसमें से मैं मुक्ति प्रदान करके मेरा वैकुंठ धाम प्राप्त करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।